न्यूयॉर्क के एक पुलिस ऑफिसर वेंजिन लियू की मौत सन 2014 में हो गई और उनकी मौत के 3 साल बाद लियू की पत्नी ने उनकी बेटी को जन्म दिया। सुनने में ये नामुमकिन लगता है और शायद हर किसी को ये कुछ गलत सोचने पर मजबूर कर दे, लेकिन इस करिश्मे के पीछे विज्ञान की PSR नामी एक तकनीक जिम्मेदार है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते ही नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी तकनीक के बारे में जानेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। इंसान की मौत के कुछ घंटों बाद तक भी शरीर के आंखों, गुर्दों और फेफड़ों जैसे अंग जिंदा रहते हैं, इसीलिए जब इन्हें मृत शरीर से निकालकर किसी जिंदा इंसान के शरीर में लगाया जाता है तो ये काम करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ किसी की जान बचाने वाले ये अंग ही नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत करने वाले स्पर्म्स भी मौत के कई घंटों बाद तक शरीर में जिंदा रहते हैं। विज्ञानियों के अनुसार मौत के 24 से 36 घंटे बाद तक स्पर्म शरीर के अंदर जिंदा रह सकते हैं और PSR यानी कि पोस्ट ह्यूमस स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक में इन्हीं को शरीर से निकालकर स्टोर किया जाता है और बनावटी गर्भधारण तकनीक के साथ इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। PSR टेक्निक का सबसे पहला इस्तेमाल 1980 के दशक में हुआ था और तब से लेकर आज तक इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार इस तकनीक को इस्तेमाल करने की खबरें सामने आती रहती हैं। जैसे कि 2019 में US मिलिट्री के एक कैडेट की अकाल मृत्यु के बाद उनके माता पिता ने अमेरिकन कोर्ट से PSR टेक्निक के जरिए उनके बेटे के स्पर्म्स को सुरक्षित करने की अनुमति मांगी थी ताकि वो अपने पोता या पोती को इस दुनिया में आता हुआ देख सकें, और US कोर्ट ने भी ऐसा करने की मंजूरी दे दी थी। सन 2016 में दिल्ली एम्स से भी एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें पति की मौत के बाद एक औरत ने डॉक्टरों से PSR टेक्निक का इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत में इस संबंधी अभी कोई कानून नहीं है जो ये बता सके कि ऐसा करना कानूनी है या फिर गैर कानूनी। विदेशों में भी कहीं इसे कानूनी माना जाता है तो कहीं गैर कानूनी, और जहां इसे कानूनी माना जाता है वहां भी सिर्फ मृतक के परिवार के कहने पर ही इस तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं नैतिकता के आधार पर इस तकनीक को गलत कहती हैं और मृतक की निजता के साथ छेड़छाड़ बताती हैं। इसीलिए पिछले 40 सालों में इस तकनीक के इस्तेमाल होने के कुछ गिने चुने केस ही हैं। ऐसी खोजों को आप मेडिकल साइंस की तरक्की मानते हैं या फिर निजता का हनन, कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।